फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन होती है और बॉडी को किस प्रकार अफेक्ट करती है, इसके बाद पढ़ेंगे अपन इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। अपन पढ़ते हैं एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस इज एन एक्यूट जनरलाइज्ड एलर्जिक रिएक्शन एंड इज मोस्ट कॉमनली पार्टिसिपेटेड बाय इंजेक्शन ऑफ फॉरेन सब्सटेंसेस। एनाफाइलेक्सिस एक प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन होती है, अबनॉर्मल रिएक्शन होती है, जो मोस्टली फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या इंसेक्ट्स या वैक्सीन को जब इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर, तो उसमें क्या होती है, बॉडी के अंदर अबनॉर्मल रिएक्शन शो होती है। तो उस अबनॉर्मल रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। इट हैज़ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, स्किन, एयरवे, वास्कुलर, जीआईटी। ये जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है उसके अंदर बॉडी के मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन, वास्कुलर, इसके अलावा जीआईटी जो ट्रैक होता है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन मे रिजल्ट इन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे। बॉडी के अंदर जब जो एलर्जिक रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ती है तो वो सीवियर रूप धारण कर लेती है। जब बॉडी के अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसमें जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी। कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स एंड डेथ, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के जो हार्ट होता है, जो हार्ट होता है वो होता है काम करना बंद कर देता है और जो पेशेंट होता है उसकी डेथ हो सकती है सीवियर एलर्जिक कंडीशन में। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जब बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट होती है तो उस दौरान कुछ सिम्टम्स अपन को देखने को मिलते हैं। इसमें अपर एयरवे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी जो अपर पार्ट है उसके अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि लेरेंजियल एडिमा, लोअर एयरवे एडिमा या एस्थमा इसको बोल सकते हैं। इसे पेशेंट को क्या होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्ट होगी, वीजिंग और स्टाइडर। इसमें क्या होगा, जो पेशेंट जब सांस लेता है तो उसके अंदर घंघराहट की आवाज़ आती है। इसके अलावा जब अपन जो रिएक्शंस होगी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन, उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके अंदर अपन देखने को मिलेगा कि एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कार्डियक सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें होगा कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होगा, पेशेंट के अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, हार्ट होगा वो काम करना बंद कर देगा। अब नेक्स्ट है क्यूटेनियस लोकल रिएक्शंस। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की जो अपर सरफेस है, लोकल सरफेस है, ठीक है, टॉपिकल सरफेस है, वहाँ पर व्हील फ्लेयर नामक जो संरचना देखने को मिलेगी। मतलब क्या होगा, स्पॉट्स होंगे, रेडनेस होगी, ठीक है, इचिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट, जब पेशेंट के अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगी, तो किस प्रकार का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऑटोथेरेपी, जब सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण जब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो हम पेशेंट को देते हैं ऑटोथेरेपी दी जाती है। इसके अलावा होते हैं एपिनेफ्रिन अपन इंजेक्शन देते हैं, इसके अलावा एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन देते हैं, इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन भी दिया जाता है। इसमें जो हाइड्रोकॉर्टिसोन उसको टॉपिकल भी यूज़ कर सकते हैं एलर्जी रिएक्शन को कम करने के लिए।